हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स का एक और शानदार सेशन, और जहां पे हम आज पढ़ने वाले हैं कि जब किसी चालक को जब एक साथ जोड़ा जाता है, जब दो चालक होते हैं, आपको दोनों चालकों को जब एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो चालक तार से जोड़ने के पश्चात उसके अंदर में ऊर्जा का कितना ह्रास होता है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमने कॉमन पोटेंशियल निकालना सीखा था, उसके लिए हमने व्यंजक भी प्राप्त किया था, ठीक है। तो आज हम लोग उस जो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आएगा उसी से रिलेट करके जस्ट उसके जस्ट अगला वाला टॉपिक है हमारा कि जब हम उन दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात उन दोनों में ऊर्जा का कितना का ह्रास होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस हो जाती है, तो वो कितनी लॉस होती है और उसका क्या व्यंजक होगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग आज जानेंगे कि वो कैसे आपको निकल के आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम यानी समय पे आपको मिल सके, ठीक है। मैं डेली आपको सुबह में मॉर्निंग में लाइव मिलूंगा 8 बजे और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में। तो अगर आपको मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे चले जा सकते हैं। आप चैनल पे मेरे मैथ और फिजिक्स की दोनों क्लासेज आपको शानदार तरीके से लगातार चल रही है, जहाँ पे आपको अभी फिलहाल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक क्लियर हो चुका है। करीब करीब उसमें एक दो लेक्चर बचे हुए हैं, आप इंटीग्रेशन वहां पे जाके पढ़ सकते हैं बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है। अगर आप मेरे साथ मैथमेटिक्स को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां मेरे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस हमारे वीडियो को देख कर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो चलेंगे क्लास को स्टार्ट करेंगे और चलते हैं देखते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारे पास है आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, है ना। आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास हमारे पास क्या है, टॉपिक है। तो हमने जैसा कि आप पीछे क्लास में चलेंगे, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि हमने कॉमन पोटेंशियल निकालना सीखा था, आपको वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको सीखने के लिए आपको पीछे का लेक्चर देखना जरूरी है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर आप पीछे का लेक्चर देख लेंगे और इसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। बात करते हैं, हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास एक चालक है, ठीक। ये हमारे पास एक चालक है, चालक हमारे पास क्या है, ये पहला चालक है ए, ठीक है, और एक दूसरा चालक है हमारे पास बी। दो चालक है हमारे पास, एक चालक ए और दूसरा चालक कितना, ये बी। समझेंगे इसको कंसेप्ट को, ठीक है। ये कंसेप्ट पिछले वाले लेक्चर से ही संबंधित है। चालक की धारिता कितनी है, सी वन, ठीक है, और इस पे विभव क्या है, बी वन है। दूसरे चालक की धारिता हमारे पास C2 है और इसका विभव कितना है, V2, ठीक है। ये आपका पहला चालक, ये दूसरा चालक, धारिता कितनी, C1, आपका विभव कितना, V1, धारिता C2 और विभव V2, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करा इसमें, अब हम इसमें एक काम कर रहे हैं क्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, चालक तार से दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, यहां से समझेंगे। ये हमने क्या किया, चालक ए है और ये आपके पास दूसरा चालक है बी, ठीक है, पूरा आराम से समझेंगे, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास चालक है बी, इसकी धारिता वही है आपको C2 है और इसकी धारिता कितनी है, C1 है, ठीक है। अब विभव में क्या है, आपको पीछे वाले और वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो आपको ये चीज समझ में आएगा। अगर हम इस चालक तार को जोड़ते हैं, अगर हम इस चालक इस दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पे सारा पहले इस पॉइंट को पढ़ेंगे ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोला है कि दो आवेशी चालकों को एक चालक तार से जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण होता है, ठीक है। आवेश क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर इसका आवेश क्या होता है, Q1 है, तो इसका आवेश कितना है, Q2, तो इसका आवेश हो जाएगा आपका Q1 और इसका क्या, Q2, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आवेश का पुनर्वितरण होता है, हालांकि आवेश का नाश नहीं होता, आवेश सिर्फ इधर से उधर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि आवेश का पुनर्वितरण होता है, आवेश अधिक विभव वाले चालक से
कम विभव वाले चालक की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। आप जानते हैं कंसेप्ट है, जहां भी आपको आवेश ज्यादा होगा या फिर विभव ज्यादा होगा, आवेश या विभव हमेशा उच्च से निम्न की ओर फ्लो करता है। ठीक है, तो आवेश जो होगा जहां पे ज्यादा आवेश होगा वहां से नीचे वाले जो मतलब जो कम आवेश वाला आपका चालक होगा वहां पे क्या होगा, प्रवाहित होगा। और ये तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो यहाँ देखिए प्रवाहित होता है, इस दौरान क्या होता है, अब वो दोनों का विभव समान हो जाता है। तो जरा देखिएगा, अब दोनों एक चालक तार से जुड़ चुके हैं, चालक तार से जुड़ने से क्या होगा, इसका विभव जो होगा वो सेम हो जाएगा और इसका भी विभव आपका बराबर हो जाएगा। और आपको पता होगा ये इस विभव को क्या बोलते हैं, ये जो भी आता है हमारा, ये भी कहलाता है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका होता है कॉमन पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। इसको हम लोग उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल या फिर उभयनिष्ठ विभव। और ये कैसे निकल के आया था हमने आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। इधर का आवेश Q1 प्लस उधर का आवेश क्या, Q2। इधर वाला कितना, Q1 और इधर वाला आपको Q2। ठीक है, ये आवेश Q1 और ये आपको Q2। अगर बात करें Q1 की, तो Q क्या होता है आपका, Q बराबर होता है CV, होता है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, C1V1 और इसके लिए हो जाएगा C2V2। तो लिखेंगे तो क्या बनेगा, C1V1 प्लस कितना, C2V2। और इसके लिए क्या लिखेंगे, C1V और प्लस क्या, C2V। क्यों, क्योंकि दोनों का विभव सेम है। तो अब यहां से हम लोग एक काम करेंगे, क्या इस V को कॉमन कर लेंगे। तो V को जब कॉमन करते हैं तो क्या बचता है, C1V1 प्लस कितना, C2V2 अपॉन कितना, C1 प्लस C2, यही ना बचता है। और यही क्या कहलाता है आपका, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें जरा समझते हैं, इस लाइनिंग को फिर से पढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि चालक जो है, अगर जो उच्च विभव वाला होगा, जिसमें आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर फ्लो होगा। ठीक है, और इस दौरान क्या होगा, कुछ कार्य होगा। ठीक है, कुछ कार्य होगा, कुछ काम किया जाएगा। और आप जानते हैं कार्य क्या होता है, हम पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हमने स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला था। तो कुछ कार्य होता है और एवं ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब कार्य होगा तो कार्य होने के दौरान क्या होगा, उस चालक में कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा उसमें से निकलेगी। ठीक है, और ऊर्जा जो निकलती है तो चालकों के आवेश में परिवर्तन नहीं होने पर भी स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आ जाती है। तो अब होता क्या है कि अब चालक तो देख रहे हैं कि इसका Q1 था, इसका Q2 था, इसका भी Q1 है और इसका Q2 है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, आवेश बेसिकली क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है इधर से उधर, लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है, इस दौरान आवेश में परिवर्तन नहीं होने पर भी इसमें ऊर्जा में कमी आ जाती है। होना ये चाहिए था कि इधर चालक तार को एक दूसरे से जोड़ने से पहले और जोड़ने के पश्चात इसकी जो ऊर्जा होती और इसकी जो ऊर्जा होती, दोनों क्या होनी चाहिए थी, समान होनी चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, इसके ऊर्जा में कमी आ जाती है। और जो ऊर्जा में कमी आ जाती है तो बोल रहा है क्या कि आवेश के पुनर्वितरण में कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो ऊर्जा का ह्रास किस फॉर्म में होता है, ऊर्जा का जो कमी आया वो क्या हुआ ऐसा कि कमी आ गई। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है कि ये जो ऊर्जा है वो आपको चिंगारी के रूप में, स्पार्किंग के रूप में, ठीक है, स्पार्किंग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं स्फुलिंग, प्रकाश में, ध्वनि में या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये ऊर्जा मुक्त हो सकती है। ये आपको ह्रास हो जाती है, ये ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा कैसे निकलती है, कितनी निकलती है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे व्यंजक। तो सबसे पहले आप एक काम करें, पहले टोटल का टोटल आप इसे इसका कंसेप्ट पहले नोट करें और फिर हम आते हैं और व्यंजक निकालते हैं, क्या होगी ऊर्जा और क्या आपका कंसेप्ट रहेगा। पहले आप इसे नोट कर लें और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम इसका लिखा हुआ पार्ट जो है उसको हम रफ करेंगे और फिर निकालेंगे इसमें ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ और उसके लिए हम लोग व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर हम इसे रफ कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा को, यानी जो हमारे चालक में ऊर्जा का ह्रास हुआ वो कितना हुआ, जरा देखते हैं। ठीक है, देखिएगा हमारे पास चालक ए है और ये चालक बी है, हमने इस चालक तार को कनेक्ट किया हुआ, किससे, दोनों चालकों को एक तार से कनेक्ट किया हुआ है। अब इस केस में होता क्या है, आपने पढ़ रखा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है U=12CV2। ठीक है, जहां सी क्या होती है, चालक की धारिता होती है, वी आपका विभव होता है। ठीक है, हमने माना है क्या कि पहले चालक की धारिता कितनी है, C1 है, उसका विभव क्या है, V1 है। दूसरा चालक है उसकी धारिता C2 है, उसका विभव V2 है। तो अगर बात करें इस चालक ए के लिए, तो चालक ए के लिए क्या होगा, चालक
ए के लिए स्थितिज ऊर्जा जो होगी हमारी वो कितनी होगी, यू का मान कितना होगा इसके लिए, अगर हम बोले इसका मान लेते हैं इसका यू वन है और इसको मान लेते हैं यू टू, ठीक है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपकी हो जाएगी हाफ सी बी स्क्वायर, यानी सी के लिए क्या लिखेंगे सी वन और भी के लिए क्या लिखेंगे भी वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा किसके लिए, चालक ए के लिए, ठीक है। अच्छा अगर चालक बी के लिए बात करें तो चालक बी के लिए, तो चालक बी के लिए प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा मतलब जो स्टार्टिंग में इसकी स्थितिज ऊर्जा थी यानी इसका ऊर्जा था वो कितना हो जाएगा, तो चालक इसको मान लेते हैं समीकरण वन, इसको समीकरण वन मान लेते हैं, बाद में दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा समीकरण वन हो गया, पहले वाले के लिए यू वन लिख देते हैं इसको यू वन, ठीक है, यू वन हो जाएगा आपका हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चालक बी के लिए बात करें तो कितना होगा स्थितिज ऊर्जा, यू टू, यू टू जो हो जाएगा आपका हाफ, इसके लिए क्या है धारिता सी टू है तो सी टू और भी क्या है विभव भी टू है यानी भी टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रारंभिक के लिए तो ये अगर टोटल को मिला के ही ना होगा आपको टोटल ऊर्जा, स्टार्टिंग में टोटल दोनों आपको चालक दिए गए हैं तो दोनों चालकों को मिला के ये स्टार्टिंग की जितनी ऊर्जा होगी जितनी स्थितिज ऊर्जा वही होगी, तो अगर हम देखें तो ये ए है और ये बी है दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, तो आपको यू वन प्लस यू टू को ऐड करना होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं यू इनिशियल, यू आई, यू आई का मतलब होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक, ठीक है, तो यू आई जो होगा वो आपका हो जाएगा यू वन प्लस यू टू हो जाएगा, यू आई जो होगा आपका यू वन प्लस यू टू के बराबर हो जाएगा, यानी क्या करेंगे हम लिखेंगे यू आई इक्वल टू हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ये आपका हो जाएगा हाफ सी वन वी वन का होल स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू का होल स्क्वायर। इसमें एक और काम कर सकते हैं हम, यू आई इक्वल टू इसमें से हाफ को कर लेते हैं कॉमन, है ना, हाफ को अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा C1 V1 का होल स्क्वायर प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपको, तो इसको ये हमारा आ गया आपका इनिशियल, यानी जब हमारा जो दोनों जो चालक तार है दोनों चालक है जो जिसपे आवेश कितनी है Q1 है जिसकी धारिता C1 है और विभव क्या है V1 है और ये आवेश जो हमारे चालक हमारे पास जो B है इसकी जो धारिता है C2 है और आपका विभव कितना है V2 है, दोनों की स्टार्टिंग में जो थी आपको ऊर्जा कितना था हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर, यही था आपके पास। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया इन दोनों को जोड़ दिया है चालक तार से जोड़ दिया, तो चालक तार चालक तार से जोड़ने के पश्चात क्या होने वाला है, तो जरा देखिएगा चालक तार से जोड़ने के पश्चात होगा इसमें विभव जो उत्पन्न होगा वो कॉमन पोटेंशियल वाला होगा यानी उभयनिष्ठ विभव होगा यानी भी का जो मान होगा वह सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू के बराबर होगा। अच्छा कुल धारिता की बात करें, कुल धारिता भी तो ऐड हो जाएगी ना, दोनों जब एक तार से जुड़ गए हैं तो दोनों की धारिता का मान ऐड हो जाएगा, तो कुल धारिता जो हो जाएगी वो हो जाएगी C1 और प्लस कितनी C2 हो जाएगी, इसका C1 था और इसका C2 था, दोनों की धारिता ऐड हो गई कितनी हो गई C1 प्लस C2। अच्छा अब इसका हम निकालें क्या U, अब ये तो हमारा क्या हुआ ये स्टार्टिंग में था और ये बाद में का था, तो बाद में वाले को क्या बोलेंगे फाइनल, यानी स्थितिज ऊर्जा कौन सा फाइनल वाला, तो फाइनल वाला स्थितिज ऊर्जा क्या होगा वही सूत्र लगेगा हाफ सी भी स्क्वायर, तो सी है कितना सी टोटल यानी सी वन प्लस सी टू, यहाँ पे लिखेंगे सी वन प्लस सी टू, ये आपका हो गया हाफ सी, और भी के लिए क्या लिखेंगे तो भी है क्या ये भी पूरा वाला है तो भी के लिए लिखेंगे आप सी वन भी वन प्लस कितना सी टू भी टू अपॉन कितना C1 प्लस C2 और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल वाला स्थितिज ऊर्जा का मान, कब जब हमने दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दिया तब, ठीक है। अब इसी दौरान होता क्या है कि अब जब हम तार को जोड़ते हैं तो इसमें कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, और ऊर्जा का ह्रास कितना होता है उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में जो हमारे पास ऊर्जा था उसमें से बाद वाले को जब माइनस कर देंगे तो हमको पता चलेगा कितना ऊर्जा का ह्रास हुआ है कि नहीं, बाद वाले को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ऊर्जा का जो ह्रास हुआ है वो किस रूप में हुआ है, अब हमने वायर जोड़ा है तो वायर में हो सकता है स्पूलिंग हो जाए स्पार्किंग हो जाए, है ना, कुछ आपको प्रकाश निकल जाए या फिर कुछ ध्वनि उत्पन्न हो, इस वजह से क्या होगा थोड़ा सा ऊर्जा इसमें नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी ऊर्जा का ह्रास की, कितनी ऊर्जा जो है नष्ट हुई, ऊर्जा का ह्रास
ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, ऊर्जा का ह्रास को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, ऊर्जा को ह्रास को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में डेल्टा यू, इसको लिखते हैं डेल्टा यू। ऊर्जा का ह्रास बेसिकली क्या है, वो दोनों का चेंज होगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो हमको निकल के चला आएगा ऊर्जा का ह्रास, तो हमने लिखा डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा, यू इनिशियल माइनस क्या यू फाइनल, यानी प्रारंभिक में से जब बाद वाला को माइनस कर देंगे तो हमको निकल के चला आएगा कौन सा डेल्टा यू का मान। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको यू इनिशियल, तो यू इनिशियल का मान लिख देते हैं, यू इनिशियल आपके पास हाफ सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू का स्क्वायर, ये हमारा यू इनिशियल हो गया। माइनस कौन माइनस करेंगे, इस वाले को पूरा को माइनस करेंगे, अब इसको माइनस करते हैं वन बाई टू सी वन प्लस सी टू इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, ये सी वन वी वन है ना, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए C1 प्लस C2 और नीचे में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको हमने कर दिया कैंसिल, तो बचेगा क्या हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस वन बाई टू C1 V1 प्लस क्या होगा C2 V2 है ना, C1 V1 प्लस C2 V2, और इसका क्या है हमारे पास होल स्क्वायर, और नीचे में आपके पास है C1 प्लस कितना C2, ये आपका हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए 1 बाई टू, यहाँ भी 1 बाई टू, यहाँ भी 1 बाई टू, क्या हम करें 1 बाई टू को कॉमन कर सकते हैं क्या, देखते हैं जरा 1 बाई टू को कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, अगर 1 बाई टू को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लें कि A प्लस B द होल स्क्वायर, तो A प्लस B द होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे लगा है माइनस, तो आप जब इसको लिखेंगे A स्क्वायर तो क्या लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर, या फिर अब तो C1 V1 है ना, तो पूरे का स्क्वायर करना होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, C1 का भी स्क्वायर और V1 का भी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, लेकिन बाहर में लगा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 2AB है ना, तो प्लस का 2AB होगा लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो ये क्या बनेगा माइनस का, तो ये बनेगा आपको माइनस का क्या बनेगा 2AB बनेगा, तो क्या लिखेंगे माइनस का 2 इंटू C1 V1 और साथ में क्या C2 V2, ये आपका बनेगा ना 2 इंटू C1 V1 और C2 V2, और नीचे में क्या था C1 प्लस C2 था, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं क्या, इसको हम प्लस में ही लिखते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, ये सब प्लस में ही रहेगा, और नीचे में आपका क्या था C1 प्लस कितना C2 था। अब हम इसको यूज करेंगे क्या एलसीएम लेते हुए है ना, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एक सबसे पहले आप एक काम करें, पहले आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस वाले इलाके को हम रफ करेंगे और फिर इसका पूरा व्यंजक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे इसके बाद, अब यहाँ से 1 बाई टू कॉमन है तो 1 बाई टू को कॉमन ही रखते हैं, ब्रैकेट हमारे पास आ गए, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2 और 1 का एलसीएम कितना होगा C1 प्लस C2 ही होगा, तो ले लेते हैं C1 प्लस C2 एलसीएम, C1 प्लस C2 हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, अब 1 से भाग लगाते हैं किसमें C1 प्लस C2 में, तो वही आएगा भागफल, अब इसमें गुणा करेंगे ऊपर वाले में तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, यहाँ हम इसको करके दिखा देते हैं C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, इसको करना हमको गुना, तो गुना करेंगे तो जरा समझिएगा क्या आएगा, C1 का गुना करेंगे C1 V1 के साथ तो क्या बनेगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस इस C1 का करेंगे इस C2 के साथ तो क्या बनेगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस इस C2 का करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर और प्लस कितना बनेगा इस C2 का करेंगे इसके साथ तो क्या बनेगा C2 और का स्क्वायर और साथ में क्या V2 का स्क्वायर, तो ये आपको गुना आएगा, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा आपको C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और साथ में क्या V2 का स्क्वायर प्लस C1
C1, C2 और क्या बनेगा, C1, C2, V2 का स्क्वायर। यहाँ पे बेसिकली देख लेते हैं एक बार फिर से, C1, C2 और V2 का स्क्वायर है, ठीक है। C1, C2, V2 का स्क्वायर और क्या है आपका, C2 का स्क्वायर और साथ में कौन सा, V2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो C1 + C2 से भाग लाया जाए तो ये कट जाएगा, ऊपर वाला क्या कर देंगे डायरेक्टली उतार देंगे। तो अब यहाँ पे लगा है माइनस, तो माइनस लगा है तो सब में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, यानी इसमें माइनस लगेगा, यानी C1 V1 का स्क्वायर, बेसिकली C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, इसमें क्या लगेगा माइनस का C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पर 2 C1 C2 और साथ में क्या V1 × V2, यही ना होगा। अच्छा, और नीचे में आपके पास क्या है, C1 + C2 है, ये आपका गुना क्रिटिकल है, पहले आप इसको समझ लेंगे ये हमने कैसे गुना किया हुआ है, ठीक है, आप इसे लिख लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, क्लियर है, देखेंगे हम इसे रफ करेंगे और फिर इसको देखते हैं। तो ये हम रफ कर रहे हैं, देखिएगा आगे, अब आगे हमारा एक स्टेप का काम है और ये कहानी फिनिश हो जाएगी इसकी। चलिए 1/2 है तो 1/2 रखे रहते हैं, आगे देखिए C1 V1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस का C1 V1 का स्क्वायर, कटेगा क्या, ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर देखते हैं C2 V2 का स्क्वायर प्लस में और माइनस में C2 V2 का स्क्वायर, ये भी कटेगा, C2 V2 का स्क्वायर और माइनस में C2 V2 का स्क्वायर, ये कट गया। आगे बच क्या रहा है हमारे पास, बच रहा है कि आपके पास C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और दोनों जगह V2 ही आ रहा है, बेसिकली C1 C2 और क्या आना चाहिए था, V1 आना चाहिए था क्या, यहाँ पे C1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर, है ना, और उसके बाद में C1 C2 V1 का स्क्वायर, है कि नहीं, C1 C2 और यहाँ पे आना चाहिए था किसका, आपको यहाँ पे V2 है, ठीक है, ये आपको बनेगा V1 का स्क्वायर, ठीक है। तो C1 C2 और कितना, V1 का स्क्वायर, और आगे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 2 C1 C2 और V1 × V2, यही बच रहा है ना, और नीचे में क्या बच जाएगा आपका फाइनली C1 + C2 बचेगा, क्लियर है। अब देखिए सब में क्या है, C1 C2 C1 C2 और C1 C2, तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं 1/2 का 1/2, C1 और C2 को कॉमन कर लेते हैं, C1 और C2 का हमने कर लिया कॉमन, तो बचेगा क्या V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, या फिर इसको सजा के लिख देते हैं V1 का स्क्वायर और प्लस क्या V2 का स्क्वायर माइनस का 2 V1 और V2, कैसे बचा V1 और V2, यहाँ पे V1 और V2 बच गया, C1 और C2 हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या बचने वाला है, और नीचे में बच जाएगा आपका C1 + कितना C2 बचेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 1/2 का 1/2, C1 और C2, अब ये V1² + V2² - 2V1V2, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, V1² + V2² - 2V1V2 किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है a - b² का, तो यहाँ a कौन है, V1 है, b कौन है, V2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं V1 - V2 का क्या होल स्क्वायर और नीचे में क्या आएगा C1 + C2, और ये आपका जो चला आता है 1/2 C1 C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2, यही होगा आपका वो व्यंजक जिसमें ऊर्जा का आपका ह्रास पता चलेगा, यानी कितनी ऊर्जा ह्रास हुई जब आप दो चालकों को एक तार से जोड़ते हैं और चालकों को तार से जोड़ने के पश्चात जो पहले जो एनर्जी थी और जो बाद में एनर्जी है उसमें कितना का डिफरेंस आया, कितना आपको ऊर्जा का ह्रास हुआ, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख देते हैं C1 + C2 और यहाँ पे हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रॉपर व्यंजक है जो आपको एग्जाम के अंदर में पूछा भी जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कितनी ऊर्जा ह्रास हुई आपको अलग अलग कंडीशन देकर, आपको अलग अलग वैल्यू देकर, दो चालकों के आपको C1 C2 या V1 V2 का मान देकर वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है, एक बार आराम से देख लें इसे और इसे समझ लें, बहुत ही क्लियरली रूप से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पहले वाला लेक्चर जरूर देखेंगे ताकि आपको कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और वहां के बाद से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपने पढ़ रखा है कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी लगेगा, और आपको यहाँ पे जब जोड़ घटाओ अगर आपका ये सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट होगा।
आप इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग करेंगे वीडियो का समापन। यहाँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो लाइट की वजह से, तो आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ लिखा है सी टू वी टू का स्क्वायर और यहाँ लिखा है सी वन वी वन का स्क्वायर और यहाँ लिखा है सी टू का स्क्वायर और यहाँ वी टू का स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो की सारी अपडेट्स मिल सके और ऐसे ही शानदार क्लासेस का आप आनंद ले सके। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।